देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। यूपी पुलिस हुई बेलगाम, मनमानी कर करा रही सरकार की फजीहत। मामला थाना सरोजनी नगर क्षेत्र के अंतर्गत पीड़ित किसान हरि प्रसाद गौतम की भूमि पर भू माफियाओं ने फर्जी तरीके से षड्यंत्र के तहत खरीदने के बहाने एग्रीमेंट के नाम पर फर्जी तरीके से पावर ऑफ अटॉर्नी करा ली और उसकी जमीन को बिना किसान की अनुमति के लगभग 18 बैनामा भी करा दिए। जब पीड़ित किसान को जानकारी हुई तब पीड़ित किसान के द्वारा लिखित रूप से पावर ऑफ अटॉर्नी भू माफियाओं से मुक्त करा ली, जिसकी सूचना पीड़ित किसान के द्वारा पश्चिमी एसपी कैसर बाग पहुंचकर अपनी फरियाद एसपी साहब को लिखित रूप से दी गई, जिसके उपरांत एसपी साहब के द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़ित किसान की समस्या को सीओ चौक कोतवाली को सुपुर्द की गई, जिसमें सीओ चौक कोतवाली के द्वारा पीड़ित किसान हरि प्रसाद के बयान भी दर्ज कराए गए और सीओ चौक के द्वारा मामला सरोजनी नगर थाना में पहुंचा और जिसकी पैरवी कर रहे एसआई प्रदीप यादव के द्वारा पीड़ित किसान की समस्या सुनने के लिए थाना सरोजनी नगर बुलाया, लेकिन थाना प्रभारी सरोजनी नगर के समक्ष पीड़ित किसान के साथ पत्रकार भी मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन सरोजनी नगर प्रभारी के द्वारा पत्रकारों को ऑफिस से बाहर जाने के लिए इंतजार करने को कहा, लेकिन पत्रकारों के साथ पीड़ित किसान थाना सरोजनी नगर के परिसर में लगभग 6 घंटे इंतजार करते रहे, लेकिन सरोजनी नगर प्रभारी के द्वारा कोई संतोषजनक वार्ता करने का अवसर नहीं दिया गया। जब थाना प्रभारी से पत्रकारों द्वारा फोन पर वार्ता की गई तो प्रभारी के द्वारा कहा गया कि फोन रखिए, आपको जो करना है जो करिए, और फोन काट दिया गया। कमलेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट। दादा अपना नाम बताइए। हरि प्रसाद। अच्छा, आपका जो मामला चल रहा है जमीन वाला, जैसा कि आपने बताया है कि 172 हमारी जमीन थी अमौसी क्षेत्र में और उस जमीन को मैंने बेचा था और जिसका पैसा नहीं मिला, तो उसके संबंध में आप क्या कहना चाह रहे हैं, अपनी पूरी बात बताओ विस्तार से। हम यूं कहा चाहते हैं कि पैसा हमारा हमका दे दो। तो पैसा देते नहीं, मारने की धमकी देते। अच्छा, उस दिन हम सड़क पर बैठे रहे। हाँ। तो उनके 5 आदमी गाड़ी से उतरे। हाँ। बोले हरि प्रसाद का घर कौन सा। अच्छा, तो उनका भैया बताओ कहा बात। नाम हमारे हरि प्रसाद। बोले साले तुम राम नरेश के बारे में मीडिया वाले को बुलाया। हाँ। इतनी बड़ी तुम्हारी शक्ति हो गई। अच्छा, तो हमने कहा भैया हमको पैसा नहीं मिल रहा। हाँ हाँ। तो हमारे गांव वाले थोड़ा जमा हो गए। अच्छा, तो करके वो लोग गाड़ी में बैठ के। हाँ। भाग गए। तो कौन लोग थे इनका, कुछ आप जानते हैं पहचानते हैं उनको। हम पहचानता नहीं, मैं मात्र नरेश को जानता हूँ। अच्छा अच्छा, नरेश ने भेजा उनको। अच्छा अच्छा, राम नरेश जो पार्षद है जो भारतीय जनता पार्टी के। जी जी, उन्होंने उनको भेजा। हाँ। और वो बोले कि उसको कैसा भी करके। हाँ। उससे साइन करवा लो। हाँ। कि हमने पैसा पूरा दे दिया। अच्छा अच्छा, तो आपसे वो जबरन करवाना चाह रहे हैं, जबरदस्ती करना चाह रहे थे करके 10-20 लोग यहाँ गांव के इकट्ठा हो गए। तो वो लोग गाड़ी में बैठ के तुरंत भाग गए। अच्छा अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि उनसे आपको ज्यादा डर है? आप डर वालों जब मेरे गांव में आके हमको यहाँ मारने का कर प्रयास कर रहे हैं। जी जी। तो हमको कहीं पाएंगे तो खत्म कर देंगे, तो करके मैं इधर उधर दौड़ धूप कर रहा हूँ ताकि उनसे मेरा बचाव हो। और पैसा मुझे चाहिए। अच्छा, अच्छा। पैसा उन्होंने दिया नहीं। अच्छा, अच्छा। 40 लाख बीघा की मेरी जमीन खरीदा जी। और उन्होंने ऐसी मौजूदा हालत में मेरी तबीयत खराब थी कि मेरे पास जाए तो कभी बोले वो एग्रीमेंट में नाम तुम्हारा गलत है तो इधर साइन कर दो। तो बस वो मेरे साइन करवा लेते थे, पैसे का नाम नहीं। अच्छा। और जब पैसे के लिए जाओ तो वेद जो बीच में आ गए। वेद कौन है ये? वेद वहीं के रहने वाले यादव वही अमौसी के। अमौसी के रहने वाले। तो राम नरेश का और वेद से क्या संपर्क है, क्या है, साथ में काम करते हैं? अब ये तो नहीं मालूम, दलाल चोर का कोई ठिकाना होता है। अच्छा अच्छा, कि उनकी कितनी गैंग है। वेद से मुलाकात आपकी कैसे हुई थी, राम नरेश के माध्यम से हुई थी कि आप डायरेक्ट वेद आपसे मिले थे? हमारे पास पहले वेद आए। अच्छा, वेद आए थे। वेद आए, उन्होंने बात किया कि चलो राम नरेश से मैं तुमको बात करा देता हूँ। तो समय मेरा खराब था उतने समय। हाँ हाँ। मैं परदेश करता था और एक्सीडेंट में वहां जा नहीं पाया। अच्छा, यही रहा। ठीक है। तो उनसे बात हुई। तो बात होने के बाद में उन्होंने कहा
कि तुम्हारी जमीन 40 लाख का बीघा हमको दे दो। अच्छा अच्छा। तो हमने कहा ठीक है, हमारा समय खराब है, आप ले लो। तो हमको मात्र 12 लाख और 40,000 रुपया इन्होंने टोटल दिया। चार बार में दिया। वो भी चार बार में, कितने सालों में दिया? ये करीब 3 साल में। 3 साल में दिया। 3 साल लगा दिए। 3 साल में इन्होंने 12,40,000 आपको पेमेंट किया। उसके बाद जो बैलेंस बचा था उसमें क्या बोले? जब मैं वहाँ मांगने गया तो मुझे बेद जो है मारने के लिए दौड़े। अच्छा। तो हमारे साथ एक लड़का था जी, उसने हाथ पैर जोड़ करके वहाँ हमको बचवा दिया। अच्छा अच्छा। उस समय के बाद फिर आप कब गए वहाँ लखनऊ गए फिर दोबारा? नहीं, फिर अब सर जब मुझे मारने को दौड़ रहे तो फिर कैसे मैं जा सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल सही है। नहीं गया करके सोचता रहा कि अब करूँ तो क्या करूँ। घर के मैं उनके पास नहीं गया, चुपचाप घर में आके बैठ गया। अच्छा अच्छा। अब आपको क्या लग रहा है, आप मतलब जो राम नरेश के पास बैलेंस बाकी है उसके लिए आप क्या करना चाह रहे हैं? आप कहीं शासकीय व्यवस्था में सहयोग लेना चाहेंगे या लिखित में किसी अधिकारी से मिलना चाहते हैं, या मुकदमा लिखवाया है आपने कहीं किसी पुलिस वालों को, अपनी सूचना दी है कि क्या हमारे साथ इसी तरीके से उत्पीड़न होगा, मेरा पैसा नहीं दे रहे हैं, कहीं लिखित शिकायत की है आप? जी नहीं। नहीं दी है? नहीं, मेरे पास कुछ था ही नहीं। अच्छा अच्छा। दौड़ धूप के लिए पैसा चाहिए। कमाने वाला कोई घर में आई नहीं। अच्छा अच्छा। तो अब आप जो है घर ही में ही रहते हैं कि कहीं? घर में ही रहते हो। चलिए ठीक है, हम देखते हैं आपकी बातों को आगे पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और आप एक काम करिए, एक लिखित एप्लीकेशन दे करके थाना संबंधित जो आपका सोहा है उसमें आप एक एप्लीकेशन जरूर दिलवाइए इन लोगों के खिलाफ। ठीक। उसके बाद में देखिए पुलिस क्या कार्रवाई करती है, और जो भी होगा आपके साथ न्याय होगा, उसमें आप परेशान ना हो। ठीक। हेलो जी, साहब से बात हो रही है? हाँ हो रही है। सर मैं कमलेश चौधरी बोल रहा हूँ, उप संपादक। बताइए सर, एक आपके पास एप्लीकेशन आई होगी वहाँ से चौक सीओ साहब के यहाँ से, हरि प्रसाद किसान है उसमें, और मामला आपके अमौसी का है, और प्रदीप भाई साहब ने मुझे बुलाया था आपके यहाँ। प्रदीप इंस्पेक्टर साहब हैं क्या वहाँ से, SI हैं कौन है? उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, लेकिन मैं आपके यहाँ आया था और मैं आपके यहाँ 6-7 घंटे में बैठा रहा, और आपने अपने चैम्बर से बाहर निकाल दिया। कोई बात नहीं, हम लोग इंतज़ार भी किए, लेकिन उसके बाद आपने ना तो किसान को आपने बात कोई सुनी और ना ही आपने मुझे बुलाया। तो सर आप एक बात बता दीजिए कि यदि अगर आपको कोई काम अगर करना है या उसका मुकदमा लिखना है। अरे भाई कौन सा मामला है श्रीमान जी, पहले मामला बताइए। मामला अमौसी का है सर, और जमीन एक किसान की 3.25 बीघा BJP के कुछ एक पार्षद हैं अमौसी के, उन्होंने फर्जी तरीके से उस जमीन को हड़प लिया है और एग्रीमेंट। आपको किसने चैम्बर से बाहर निकाला? अरे सर आप ही ने निकाला था, आप ही ने निकाला था। और सर आप मुझे, वो किसान मुझे पहचानता है? कौन किसान जिसके मैंने निकाला था? अरे मुझे निकाला था सर, मैं ही आपके पास गया था। आप क्या ही ने नाम मुझे है तुम्हारा? हैं क्या नाम है? मैं कमलेश चौधरी बोल रहा हूँ, उप संपादक। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप ही को मैंने फोन लगाया है। आप मुझे नहीं पहचान रहा हूँ अभी भी नहीं पहचान रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ तो ठीक है सर, आपने नहीं, हो सकता है नंबर नहीं सेव किया, जबकि कितने बार हम आपके सरोज नगर थाने के कवरेज करने आए, साहब भी आए, कमिश्नर साहब आए, तब भी हम आप लोगों के यहाँ। ठीक है रखो भाई। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहे नया भारत दर्पण समाचार।